तो कुछ जरूरी सवाल ये है कि वैकेंसी कब तक आनी है, आयु क्या होगी, क्या एज में कोई रिलैक्सेशन मिलेगा, अब पैटर्न में क्या कोई बदलाव होना है क्या? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एएलपी टेक्नीशियन की 2023 की भर्ती परीक्षा के लिए। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं ना जो बच्चों के मन में होते हैं, तो इन सारे के सारे प्रश्नों पर हम लोग बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जी हाँ, मेरा नाम है अनुराग दीक्षित और आप देख रहे हैं पाठशाला रेलवे एग्जाम। सारी चीज़ों को जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अब शुरुआत करते हैं कि ये वैकेंसी कब तक आएगी, साथ ही में एज में कोई रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एज एक्चुअली में होती क्या है और अब क्या कोई पैटर्न में बदलाव होने वाला है। तो अगर मैं बात करूं कि वैकेंसी कब तक आएगी, तो इसकी वैकेंसी के लिए जो एक्सपेक्टेड डेट दी जा रही है अभी तक, उस पर अगर मैं बात कर लेता हूं, तो ग्रुप डी और एनटीपीसी, किसकी किसकी बात कर रहे हैं, ग्रुप डी और एनटीपीसी के जितने भी फॉर्म हैं जिनको अभी बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाने हैं, ये मार्च के लास्ट तक इन सभी को ज्वाइनिंग लेटर दे दिए जाएंगे, मार्च लास्ट तक। तो उम्मीद पूरी की पूरी ये है कि अप्रैल 15 के बाद, 15 अप्रैल के बाद, 15th of April के बाद या अप्रैल लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन, एएलपी प्लस टेक्नीशियन 2023 की भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। अब बात अगर कर लेते हैं आयु की क्या है, तो इस पर अगर मैं बात करता हूं, तो अभी जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 30 वर्ष की उम्र है, लेकिन बाकी सबके भी कैटेगरीज वाइज जो है एज जो है वो है, उस पर हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन 2018 से 2023 का अगर समय अंतराल देखा जाए, तो लगभग लगभग 4 प्लस 5 साल के बीच में ये अंतराल है। इस अंतराल में अब आयु में क्या रिलैक्सेशन मिलेगा, तो जो 18 से 30 वर्ष की आयु की सीमा है, मेरे हिसाब से इसमें सभी के लिए 3 वर्ष की आयु मिनिमम तो बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि इतने समय अंतराल के बाद जब वैकेंसी आने की उम्मीद है, तो उसमें एज का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, क्योंकि इन 4 से 5 वर्षों में कई सारे बालक या कई सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो ओवर एज हो रहे होंगे। पैटर्न में क्या बदलाव होगा, जैसे 2014 से लेकर 2018 में जो वैकेंसी आई थी, तो 2014 से 2018 में जो वैकेंसी आई थी, इसके पैटर्न में बदलाव हुआ था। तो अब विद्यार्थियों के मन में प्रश्न ये है कि सर 2023 वाली वैकेंसी में क्या पैटर्न में बदलाव होगा? तो अगर ये पैटर्न में बदलाव होने की बात होती, तो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री के द्वारा एक नोटिस आपको दे दी गई होती अभी तक, क्योंकि अब ज़्यादा समय रह नहीं गया। तो अब पैटर्न में बदलाव नहीं होगा, जो पैटर्न 2018 का था वही पैटर्न रहेगा। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एएलपी और टेक्नीशियन के भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों के लिए। तो अगर मैं एएलपी और टेक्नीशियन की बात कर लेता हूं, तो यहां पर सिर्फ एएलपी की अगर बात करें, तो एएलपी के लिए जो योग्यताएं हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि आप अगर 10th पास हैं, हाई स्कूल पास हैं, और उसके बाद आपने कोई आईटीआई वगैरह कर रखी है, आईटीआई में आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं, वेल्डर से हैं, और डीजल मैकेनिक से हैं, वायरमैन से हैं, या किसी भी ट्रेड से आपकी आईटीआई होनी चाहिए। पहली योग्यता ये है कि जिन बच्चों का 10th और आईटीआई होगी, वो बच्चे एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म भर सकते हैं। ये सारी चीज़ें टेक्नीशियन के लिए नहीं है, टेक्नीशियन पर अभी हम लोग बाद में बात करेंगे। अब दूसरी योग्यता है कि आपने 10th कर रखा हो और उसके बाद कोई डिप्लोमा हो आपके पास, यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा हो, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा हो, तो आप एएलपी का फॉर्म भर सकते हैं। ये सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि योग्यता क्या होनी चाहिए। कई बार बच्चे ये पूछते हैं, क्या सर हम फॉर्म भर सकते हैं, हमने ऐसा ऐसा कर रखा है। या फिर आपका बीई या बीटेक हो, तो वो बीई और बीटेक वाले बच्चे भी असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी का फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि टेक्नीशियन का जो फॉर्म होता है, इसकी वैकेंसी अलग होती है, लेकिन जोड़कर ही बोला जाता है कि टेक्नीशियन का फॉर्म भरने वाले बच्चों में क्या योग्यता होनी चाहिए, तो उनकी 10+2 यानी कि 12th किसके साथ, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के साथ आपका अगर 12th पास आउट है, तो आप टेक्नीशियन भर्ती के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर किसी बच्चे ने पीसीबी लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो लिया है, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा, यानी आपके पास 12वीं कक्षा में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होना कंपलसरी है, तब आप टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हैं। एक सवाल और आता है, बच्चों ने कहा कि सर इसके लिए भी आवाज़ उठाइए कि एएलपी वाले भी टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकें। तो एएलपी वाले बच्चे जिनके पास ये योग्यता है, वो एएलपी का फॉर्म भरेंगे, टेक्नीशियन वाले बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है।
आगे की बात करते हैं तो एज क्या होनी चाहिए। देखिए जनरल कैटेगरी के लिए जो एज है वो 18 से 30 साल है, ओबीसी की 18 से 30 साल है, एससी कैटेगरी 18 से 35 साल है और एसटी कैटेगरी की भी उम्र 18 से 35 वर्ष है। लेकिन 2018 के बाद से अभी तक देखा जाए तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो ओवर एज हो रहे होंगे, क्योंकि इन 4 सालों के अंतराल में एएलपी की कोई वैकेंसी, टेक्नीशियन की कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो मेरे ख्याल से कि मिनिस्ट्री को कम से कम 3 से 4 वर्ष, मेरे होना तो 5 साल पूरे चाहिए कि 5 साल एज को इनक्रीज करना चाहिए, एज में रिलैक्सेशन देना चाहिए। लेकिन अगर 5 साल नहीं भी दिया जाता है तो कम से कम 3 साल का एज रिलैक्सेशन तो होना ही चाहिए। अगर ये एज रिलैक्सेशन नहीं होता है तो उन बच्चों के लिए थोड़ा सा खतरा हो जाएगा जो इस पीरियड में क्या हो चुके हैं, ओवर एज हो चुके हैं, वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। फिलहाल ये एज होती है, इस एज रिलैक्सेशन के लिए कई सारे अध्यापकों के साथ जुड़कर बातचीत, चर्चा चल रही है, इसके लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ आगे बात करेंगे। ठीक है, अब परीक्षा के पैटर्न को समझते हैं कि एएलपी की परीक्षा का जो पैटर्न है वो पैटर्न किस प्रकार का होना चाहिए। देखिए एग्जाम का पैटर्न ऐसा है, पैटर्न होगा यहाँ पर, पैटर्न कुछ ऐसा है कि यहाँ पर सीबीटी 1 का एक एग्जाम होता है और सीबीटी 2 के 2 पार्ट होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 2 पार्ट होते हैं। सीबीटी 1 केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसे सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। सीबीटी 2 में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी होता है, अब ध्यान से समझिएगा। और उसके बाद साइको टेस्ट होता है। साइको टेस्ट सिर्फ एएलपी भर्ती परीक्षा के लिए होता है, या फिर जो स्टेशन मास्टर या असिस्टेंट स्टेशन मास्टर बने हुए बच्चे हैं उनको ये पता होगा कि साइको के विषय में क्या जानकारी होगी। टेक्नीशियन के लिए साइको का कंपल्सन नहीं है। एक एक चीज़ों पर आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम सीबीटी 1 की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानकारी हो कि सीबीटी 1 में 75 क्वेश्चन आते हैं जिसे आपको 60 मिनट में करना होता है। एक घंटे में 75 क्वेश्चन होते हैं। इन 75 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के होते हैं, साइंस के आपके 25 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के 20 होते हैं और 10 क्वेश्चन जीके और करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। 1/3 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी अगर आपने एक प्रश्न कोई गलत किया तो वो प्रश्न अपना नंबर तो लेके ही जाएगा प्लस 1/3 नंबर और आपका लेके जाएगा। आपको इस चीज़ को समझना है, यानी अगर आपने 3 प्रश्न गलत किए तो इन 3 प्रश्न के नंबर तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ में जो एक प्रश्न सही होगा उसके भी नंबर आपके कट जाएंगे। ये है 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रोसेस। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं, सीबीटी 2 की पार्ट ए की बात करते हैं। तो सीबीटी 2 के पार्ट ए में एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो सीबीटी 1 है ना, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी इसे सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। इसके नंबर भी आखिरी में जो मेरिट बनती है उसमें काउंट नहीं किए जाते हैं, नंबर नहीं जुड़ते हैं। अच्छा, क्वालिफाइंग नेचर किस प्रकार का होता है कि जनरल कैटेगरी को यहाँ पर यूआर कैटेगरी को कम से कम 40% नंबर लाने होंगे। इसी प्रकार से ओबीसी के लिए भी 40% का क्राइटेरिया फिक्स होता है और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 30% का क्राइटेरिया होता है। कहने का मतलब कि अगर 75 नंबर का क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 75 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ये भी याद रखिएगा आप, तो आपको जनरल कैटेगरी और ओबीसी वाली कैटेगरी वाले लोगों के लिए कम से कम 30 नंबर लाने होंगे। वहीं एससी और एसटी कैटेगरी को इसका 30% यानी कि 22.5 नंबर तो लाने ही होंगे। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके नंबर, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि नंबर इसके ऐड नहीं होते। अब मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर बात आती है सीबीटी 2 के पार्ट ए की, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं और ये 1.5 घंटे में आपको करने होते हैं। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो 1/3 की ही नेगेटिव मार्किंग है। इसमें मैथ्स के 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग का एक सब्जेक्ट इसमें जुड़ता है जिसके 40 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। साथ ही साथ रीजनिंग के प्रश्नों की संख्या भी 25 होती है और जीए प्लस करंट अफेयर्स के प्रश्नों की संख्या 10 होती है और इन सभी को मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चन आपको 1.5 घंटे में करने होते हैं। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर नहीं होता है, इसके नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे कि किस प्रकार से ये नंबर जोड़े जाते हैं। ठीक, ये सीबीटी 2 का पार्ट ए है। अगर मैं सीबीटी 2 के पार्ट बी की बात करता हूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके ट्रेड के क्वेश्चन मिलते हैं कि जिस ट्रेड से आपने फॉर्म भर रखा है, आप वेल्डर ट्रेड से हैं या डीजल मैकेनिक से हैं या फिटर से हैं या फिर मशीनिस्ट हैं या जो भी ट्रेड आपका है, उससे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और 75 क्वेश्चन होते हैं।
इस 75 क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 60 मिनट का समय होता है, और यहां भी इस सीबीटी 2 के पार्ट बी में, जिसमें ट्रेड से आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पार्ट बी, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और इस क्वालिफाइंग नेचर में आपको 35% नंबर सिक्योर करने होते हैं। आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप यहां पर कैटेगरी मायने नहीं रखती है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, यहां पर कैटेगरी का मायने नहीं होता है। आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको 35% कम से कम नंबर लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। आपने सीबीटी 1 पूरा क्वालिफाई कर लिया है, सीबीटी 2 अच्छे नंबर आपके पास है, लेकिन आप अगर सीबीटी 2 के पार्ट बी यानी ट्रेड वाले में, एएलपी वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप शून्य रिजल्ट पर आ जाएंगे, यानी आपका जो एक अब फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। फॉर्म कैंसिल होने से मतलब आप आगे मेरिट लिस्ट में अपने नाम को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं एएलपी की जो फाइनल मेरिट बनती है वो किस बिहाफ पे बनती है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एएलपी के लिए फाइनल मेरिट जो बनती है सीबीटी 2 का जो पार्ट ए होता है, सीबीटी 2 के पार्ट ए के 70% नंबर लिए जाते हैं। मान लीजिए सीबीटी 2 जो है जिसमें 100 क्वेश्चन आने थे, उस 100 क्वेश्चन में आपके 90 सही हैं, तो इस 90 का 70% यानी 63 आपके नंबर लिए जाएंगे, और जो साइको टेस्ट होगा उसके 30% मार्क्स आपसे जोड़कर फिर ये मेरिट तैयार होती है, और उस मेरिट पर आपके सिलेक्शन को तय किया जाता है। ठीक, चलिए कुछ और बातें भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं इसके लिए एएलपी और टेक्नीशियन के सभी बच्चों के लिए फ्री क्लासेस यूट्यूब पर एएलपी और टेक्नीशियन के सारे सभी बच्चों के लिए आपको पाठशाला रेलवे एग्जाम डेली प्रोवाइड करा रहा है, और यहाँ पर आपको जो मैथ्स की क्लास होती है वो डेली शाम को 3:30 बजे मिलती है अनुराग सर के द्वारा, रीजनिंग की क्लास आपको 5 बजे मिलती है ऋषभ सर के द्वारा, और साइंस की क्लास आपको मिलती है 7 बजे योगेश सर के द्वारा। इन क्लासेस में आप चीज़ों को देखिए, जो TCS पैटर्न के सारे लोग जो है TCS पैटर्न के, जो कि रेलवे ALP भर्ती परीक्षाओं के लिए वेंडर है, उस पर आधारित सारे के सारे प्रश्न हो रहे हैं। तो मेरा आप सभी से कहना है कि सभी लोग इन क्लासेस को ज्वाइन करें, इसके लिए आपको कोई फीस नहीं देनी होती है, यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। और जो बच्चे पेड कोर्स से पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए एएलपी का पेड कोर्स भी है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपका मैथ स्पेशल कोर्स है, जिन बच्चों को ये लगता है कि उनका सिलेक्शन सारी चीज़ें तो वो आ जाती हैं, सिर्फ मैथ्स की वजह से रुक रहा है, तो आपको यहाँ पे एएलपी और टेक्नीशियन का मैथ स्पेशल बैच है, जिसमें आपको पूरी की पूरी अर्थमेटिक, पूरी एडवांस, एक DI का पार्ट भी आपको अलग से मिल जाएगा, साथ में कैलकुलेशन वाला पार्ट भी आपको मिलेगा जो मैंने अलग से आपको देना है। इसके फीचर्स की बात करें तो हर एक चीज चैप्टर वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज, टाइप वाइज और बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपको डिलीवर किया जाएगा, बेस्ट कॉन्सेप्ट। साथ ही साथ इसमें लेवल वाइज भी है चीजें, लेवल वाइज होने का मतलब सबसे पहले ही नहीं कि सबसे कठिन प्रश्न आपको उठा के रख दिएगा, सबसे पहले इजी लेवल, फिर उसके बाद मॉडरेट लेवल, फिर हम लोग डिफिकल्ट लेवल तक आएंगे, यानी आप ये समझ सकते हो शून्य से शिखर तक का सफर हम लोग इस बैच में तय करेंगे हर एक चैप्टर में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 4000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर आपको प्रश्न मिलेंगे। जो PDF होगी वो आपको असाइनमेंट वाले पार्ट में मिलेगी, और बेस्ट मेथड से मैं इन सब चीज़ों को आपको डिलीवर किया जाएगा। आप अगर रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम, इन सब में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका जो मैथ्स का बैच है ये आपके लिए एक ड्रीम बैच साबित होगा, ये मेरी गारंटी है आपके लिए। लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वहां पर रेलवे वाले सेक्शन में आके आपको एक कूपन कोड लगाना है। इस कूपन कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और ये कूपन कोड है DIS50। इस कूपन कोड से आपको क्या मिलेगा, बहुत सारा डिस्काउंट मिलेगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बहुत सारा डिस्काउंट मिलेगा। या फिर आप 9696102411 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों को सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का कंप्लीट पैकेज चाहिए तो उनके लिए भी पाठशाला रेलवे एग्जाम एक बैच लेकर है, इसको फाउंडेशन बैच के नाम से जाना जाता है, और ये फाउंडेशन बैच आपके सिलेक्शन में जो कहते हैं ना आखिरी कील साबित होने वाला है। इसमें आपको सीबीटी 1 के सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, मैथ, रीजनिंग, साइंस, GK, GS प्लस 40 मॉक पेपर।
सीबीटी 2 के पार्ट ए में जिसका आपको मेरिट लिस्ट में वेटेज देखने को मिलता है जब मेरिट बनती है, तो मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, जीके, जीएस और इसके भी 40 मॉक पेपर, साथ ही में सीबीटी 2 के पार्ट बी में जिसको क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, ये पार्ट होता है ट्रेड वाला जिसमें आपके 75 क्वेश्चन आने होते हैं और 35% तो इसमें आपको लाना ही लाना है, अदरवाइज ये सब चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएंगी, इसमें आपको ये सारे ट्रेड्स भी मिल जाएंगे और इसमें आपको भी मॉक पेपर मिलेंगे। लेने के लिए आपको सेम काम ही करना है, आपको माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। फिर से मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ प्रोसेस क्या करना है, कि माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उसमें इसके इसके लिए कूपन कोड जो इस्तेमाल करना है आपको, जिससे आपको फिर से एक बार ढेर सारा डिस्काउंट मिले, वो कूपन कोड फिर से मैं आपको लिख देता हूँ, वो कूपन कोड होगा DIS, डी कैपिटल डी कैपिटल आई कैपिटल एस 50, DIS50 कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये बहुत बेहतरीन डिस्काउंट में ऑफर अवेलेबल हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आपको करना है जो मैं नंबर लिख दे रहा हूँ, इस नंबर पे कॉल करके आपको ये कोर्स परचेज कर ले, 9696, यहाँ पे फिर से लिखता हूँ मैं 9696102411, इस नंबर पर कॉल करके आप फटाफट से इसको ले लीजिए और अपनी पढ़ाई को बहुत विस्तृत तरीके से आगे बढ़ाइए। तो इसी प्रकार की छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो आपके पढ़ाई में आपकी मदद करेंगी, मैं आपके साथ उपस्थित होता रहूँगा। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।